रामायण की कथा घर घर में पढ़ी सुनी जाती है। सीता की खोज करते करते जब हनुमान जी उनके निकट अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और माता सीता को दुखी हालत में देखते हैं, उन्हें दुखी देखकर वे भी दुखित हो जाते हैं। इस दौरान त्रिजटा नाम की राक्षसी, जो माता सीता का भरपूर साथ दिया करती थी, वह अपने एक स्वप्न का जिक्र करते हुए माता सीता को बताती हैं कि श्री राम शीघ्र ही यहाँ आकर सभी असुरों का संहार कर सीता माता को ले जाएंगे। त्रिजटा ने अपने सपने की बात सभी राक्षसियों को बताती है तो वो सभी डर के मारे माता सीता के चरणों में गिर पड़ती हैं। इसके बाद सीता जी ने त्रिजटा से नम्रतापूर्वक कहा कि वह कहीं से लकड़ियां लाकर मेरे लिए चीता बना दे। इस तरह कहकर माता सीता अपना शरीर त्यागने की बात करती हैं। सीता जी के राम से विरह वियोग के इस दर्द को देखकर उस अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ पर छुपे बैठे हनुमान जी ने श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता माता ने हर्षित होते हुए उस अंगूठी को अपने हाथों में लिया और देखने लगी। माता सीता उस सुंदर अंगूठी को देखकर प्रसन्न हुई। सीता जी ने राम नाम लिखे हुए उस अंगूठी को देखकर हर्षित हो रही थी क्योंकि वह उस अंगूठी को पहचान गई थी। हनुमान जी ने सीता के सामने आए बगैर ही पेड़ पर से ही श्री राम के गुणगान गाने लगे। तब हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी का दुख दूर हो गया और माता सीता बड़े ध्यान से हनुमान जी की बातें सुनने लगी। तो हनुमान जी ने शुरू से लेकर अंत तक राम जी की कथा सुना डाली। हनुमान के वचनों को सुनकर सीता जी बोली कि आप मेरे सामने क्यों नहीं आते। तब हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में उनके पास चले गए तो उन्हें देखते ही सीता जी ने अपना मुंह फेर लिया। उन्हें यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि एक साधारण वानर श्री रघुनाथ जी की अंगूठी को लेकर उनकी खोज करने कैसे आ सकता है। उन्हें तो घोर आश्चर्य हुआ। फिर जब हनुमान जी ने शपथ पूर्वक उनसे कहा कि मैं ही यह अंगूठी आपको निशानी के रूप में लेकर आया हूँ ताकि आप मेरी पहचान कर सके। जब हनुमान के विश्वास दिलाने पर सीता जी को उन पर विश्वास हो गया तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। सीता के पूछने पर हनुमान जी उन्हें उनके हरण से लेकर श्री राम से मिलने और वानर सेना द्वारा उनकी खोज करने की पूरी बात आदि से अंत तक बता दी। अब तक माता सीता को यह विश्वास हो चुका था कि यह वानर मन वचन और कर्म से पूरी तरह उस दयामय प्रभु श्री राम का भक्त है। सीता और हनुमान के इस संवाद को सुनकर आप क्या कहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।